हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स घुलाटी स्टूडेंट्स आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्ज़ाम में क्या और कैसे लिख के आना है ताकि आप सिर्फ़ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें तो स्टूडेंट्स आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे एम फिजिक्स सेमेस्टर वन क्लासिकल मकैनिक्स यूनिट वन के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है तो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन तो स्टूडेंट्स प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन हमें क्या कहता है इसको जानने से पहले आपको पता होना चाहिए वट डू यू मीन बाय एक्शन ऑफ आर सिस्टम देखिए स्टूडेंट्स अगर हमारे पास सिस्टम की कनेटिक एनर्जी है उसको अगर हम कैपिटल टी से डिनोट करें अगर हम उस कनेटिक एनर्जी मीन्स कैपिटल टी का ट्वाइस कर दें मीन्स टूटी ले लें और उसका टाइम इंटीग्रल कर दें बिटवीन लिमिट्स टी वन टू टी टू तो जो वो इंटीग्रल होगा उसी को हम बोलते हैं एक्शन ऑफ द सिस्टम तो सबसे पहले आपको इसमें लिखनी होगी एक्शन ऑफ द सिस्टम की डेफिनेशन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आखिरकार प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन हमें क्या कहता है तो आप हेडिंग बनाएंगे एक्शन द टाइम इंटीग्रल ऑफ ट्वाइस द कनेटिक एनर्जी टी इज नोन एज एक्शन ए किसी भी सिस्टम के लिए अगर आपको एक्शन फाइंड करना है कैपिटल ए फाइंड करना है तो पहले आप क्या करेंगे उसकी कनेटिक एनर्जी का ट्वाइस करेंगे जिससे आपको मिलेगा टू टी टी यहाँ पर कनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम को डिनोट कर रहा है और इस टू टी का ट्वाइस ऑफ कनेटिक एनर्जी का अगर आप टाइम इंटीग्रल कर देते हैं बिटवीन लिमिट्स टी वन टू टी टू तो जो आपको मिलता है उसे हम बोलते हैं एक्शन कैपिटल ए ऑफ द सिस्टम तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं आगे इस रिजल्ट को हम थोड़ा मॉडिफाई करके भी लिख सकते हैं हमें पता है हेमल्टोनियन क्या होता है किसी भी सिस्टम के लिए हेमल्टोनियन उसकी टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है और टोटल एनर्जी जो होती है वो होती है सम ऑफ कनेटिक एनर्जी टी एंड पोटेंशियल एनर्जी वी और किसी भी सिस्टम के लिए जो लैगरेंजन होता है एल वो रिप्रेजेंट करता है डिफरेंस ऑफ कनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी मीन्स टी माइनस वी तो अगर हम एच प्लस एल की वैल्यू निकालें तो हमें मिलेगा टी प्लस वी प्लस टी माइनस वी वी से वी जो है वो कैंसिल हो जाएगा तो एच प्लस एल की जो वैल्यू आएगी वो टू टी आएगी तो इस टू टी के प्लेस पर हम H प्लस एल या फिर L प्लस एच लिख सकते हैं तो हमारा जो एक्शन होगा वो हो जाएगा t1 वन टू टी टू एल प्लस एच अब L प्लस एच क्या होता है हमें पता है हैमिल्टोनियन का जो बेसिक फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ लेगरेंजन L वो क्या होता है H इज़ इक्वल टू समेशन आई पी आई क्यू आई डॉट माइनस एल दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ हेमल्टोनियन फंक्शन तो यहाँ से अगर हम माइनस एल को इधर ले आएँ तो आपको मिलेगा एच प्लस एल इज इक्वल टू समन आई पी आई क्यू आई डॉट तो इस एच प्लस एल की जगह या फिर एल प्लस एच की जगह हम समेशन आई पी आई क्यू आई डॉट पुट कर सकते हैं तो एक्शन हमारा हो जाएगा टी वन टू टी टू समेन आई पी आई क्यू आई डॉट डी टी ये तो हो गया एक्शन ऑफ द सिस्टम पी आई क्या है यहाँ पर जनरलाइज मोमेंटा है और क्यू आई डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है जनरलाइज विलोसटिस को रिप्रेजेंट कर रहा है अब प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन हमें यह कहता है कि किसी भी कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए जो ए में डेल्टा वेरिएशन होगा मींस इस इंटीग्रल में जो डेल्टा वेरिएशन होगा वो जीरो होगा तो स्टूडेंट्स डेफिनेशन देखिए अब प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन की क्या है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन फॉर अ कंजर्वेटिव सिस्टम डेल्टा ए मींस डेल्टा ऑफ दिस इंटीग्रल डेल्टा इंटीग्रेशन t1 टू t2 सबमेशन समेशन आई dt आई इज इक्वल टू जीरो तो किसी भी इस कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए इस इंटीग्रल का जो डेल्टा वेरिएशन होता है मीन्स एक्शन का जो डेल्टा वेरिएशन होता है वो जीरो के बराबर होता है तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेक्शंस में हम क्या करेंगे इस रिजल्ट को जीरो के बराबर प्रूफ करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने देखा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्शन ऑफ द सिस्टम और साथ के साथ हमने डेफिनेशन देखी प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन की जो एक्शन होता है सिस्टम का वो ये होता है टाइम इंटीग्रल ऑफ टी वन टू टी टू समेशन आई पी आई क्यू आई डॉट डी टी इसको हम बोलते हैं एक्शन ऑफ द सिस्टम एक चीज़ और होती है सिस्टम के लिए जिसको हम बोलते हैं एक्शन इंटीग्रल जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एस से और वो होता है टाइम इंटीग्रल ऑफ लेगरेंजन एल ऑफ द सिस्टम तो जो एक्शन इंटीग्रल होता है एस वो होता है इंटीग्रेशन टी वन टू टी टू एल डी टी ये फॉर्मूला आपको याद रखना है दिस इज नोन एज एक्शन इंटीग्रल ऑफ द सिस्टम तो यहीं से हम शुरुआत करेंगे तो आप हेडिंग बनाएंगे प्रूफ द एक्शन इंटीग्रल एस इज गिवन बाय एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टी वन टू टी टू एल डी टी इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं एल है लेगरेंजन ऑफ द सिस्टम अब हम क्या करेंगे इस इक्वेशन वन के दोनों तरफ डेल्टा वेरिएशन जो है वो अप्लाई करेंगे तो आप लिखेंगे द डेल्टा वेरिएशन ऑफ इक्वेशन वन इज गिवन बाय दोनों तरफ आप डेल्टा ऑपरेटर लगा देंगे तो एस बन जाएगा डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ टी वन टू टी टू एल डी टी इसको हम सेकेंड इक्वेशन दे देते हैं देखिए स्टूडेंट्स क्लासिकल मैकेनिक्स में आपके पास दो तरह के वेरिएशन होते हैं एक होता है डेल्टा वेरिएशन ये वाला डेल्टा वेरिएशन एक होता है डेल वेरिएशन ये वाला इन दोनों में बहुत फ़र्क है तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है डेल्टा वेरिएशन और डेल वेरिएशन में क्या डिफरेंस होता है इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना के दूंगा बट अभी के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना होगा कि इस डेल्टा वेरिएशन और डेल वेरिएशन में एक रिलेशनशिप होता है और वो रिलेशनशिप हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वो रिलेशनशिप कैसे ड्राइव किया जाता है वो मैं आपको एक दिन अलग से जरूर बताऊंगा जरूर समझाऊंगा किसी और वीडियो के अंदर तो अभी के लिए बस आपको इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप ध्यान रखना है वो क्या होता है वी नो दैट डेल इज़ इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू डेल प्लस डेल्टा टी बाय डी बाय डी टी तो ये है इन दोनों प्रकार के वेरिएशन के बीच में रिलेशन ये है डेल्टा वेरिएशन ये है डेल वेरिएशन एंड बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय दिस फॉर्म इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर थ्री तो इस डेल्टा की जगह इस डेल्टा की जगह हम ये पुट करेंगे मीन्स थर्ड इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन टू में यहाँ पर आपको डेल ही डेल्टा ही रखना है ये ट्राइंगल साइन ही रखना है यहाँ पर तो आप लिखेंगे यूजिंग थ्री इन राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन टू वी गेट डेल्टा एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इस डेल्टा की जगह हम पुट करने जा रहे हैं ये टर्म डेल प्लस डेल्टा टी डी बाई डी टी इंटीग्रेशन टी वन टू टी टू एल डी टी तो अब हम क्या करेंगे इस इंटीग्रेशन को पहले इस डेल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा डेल इंटीग्रेशन टी वन टू टी टू एल डी टी फिर इस इंटीग्रेशन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा डेल्टा टी डी बाई डी टी इंटीग्रेशन टी वन टू टी टू एल डी टी अब इस डेल को भी हम इंटीग्रेशन के अंदर ले जा सकते हैं और इस टर्म को भी इंटीग्रेशन के अंदर ले जा सकते हैं तो आपको ये स्टेप आप चाहें तो इसी स्टेप में कर सकते हैं तो आपका एक स्टेप बच जाएगा तो इस डेल्टा को मैं अंदर ले गया और इस इंटीग्रेशन को इस टर्म को मैं इंटीग्रेशन के अंदर ले जा सकता हूँ तो मैं इस इंटीग्रेशन को यहाँ से हटा के यहां से हटा के यहां लिख देता हूँ t1 वन टू टी तो स्टूडेंट्स इसके बाद क्या होने वाला है वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट सेक्शन के अंदर तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम इस रिजल्ट तक पहुंच चुके थे अब आप क्या करेंगे इस डी से इस डी को कैंसिल कर देंगे तो अगला स्टेप आपका होगा डेल्टा एस इज इक्वल टू तो टी वन टू टी टू डेल ऑफ एल एल जो है वो दो वेरिएबल्स का फंक्शन होता है एक होता है के जिसको हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट बोलते हैं पोजिशन कोऑर्डिनेट बोलते हैं और एक होता है वेलोसिटी जिसको हम के डिनोट के डॉट से डिनोट करते हैं साथ में डी टी है प्लस टी वन टू टी टू डेल्टा टी डी एल अब हम क्या करेंगे अगला स्टेप देखिए ध्यान से टी वन टू टी टू डेल डेल ऑफ एल कैसे निकाला जाएगा एल जो है वो इन दोनों वेरिएबल्स का फंक्शन है तो पहले हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे एल का विद रिस्पेक्ट टू क्यू के फिर क्यूके का डेल वेरिएशन डेल क्यूके प्लस फिर एल का पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड वेरिएबल जो कि है क्यूके डॉट फिर हम क्यूके डॉट का डेल वेरिएशन करेंगे साथ में तो ये हो जाएगा डेल क्यूके डॉट तो स्टूडेंट्स ये है डेल ऑफ एल की वैल्यू इस प्रकार से आप डेल ऑफ एल निकालेंगे एल जो है वो इन दोनों वेरिएबल्स का फंक्शन था तो पहले एल का इनका पार्शल डेरिवेटिव करना होगा के और के डॉट के रिस्पेक्ट में फिर साथ में मल्टीप्लाई में क्यू के और क्यू के डॉट का डेलिवरिएशन भी आपको लिखना होगा साथ में डी टी एज इट इज रहेगा प्लस देखिए इस डी से ये इंटीग्रेशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा एल डेल्टा टी और यहाँ पर जो है लिमिट्स आ जाएंगी टी वन टू टी टू डी से ये इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया और लिमिट जो है वो T1 T2 यहां ल, is, टी वन टू टी टू यहाँ पर है तो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर अब देखिए स्टूडेंट्स इस टर्म का जो इंटीग्रेशन करना है वो थोड़ा डिफिकल्ट रहने वाला है तो अब हमें ये जो टर्म लिखी हुई है ब्रैकेट के अंदर इसको थोड़ा सिंपलीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा और वो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे आइए वो देखते हैं अकॉर्डिंग टू लेगरेंजिस इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव हमें पता है लगरेंजिस इक्वेशन और मोशन हमें क्या कहती है डी बाई डी टी कर्ली एल बाय करली क्यूके डॉट माइनस क्ली एल बाय करली के इज इक्वल टू जीरो तो अगर हम नेगेटिव टर्म को उधर ले जाएं तो हमें मिलेगा डी बाई डी टी ऑफ कर्ली एल बाय करली के डॉट इज इक्वल टू करली एल बाय करली के ये टर्म इधर जाके प्लस की हो गई बट हमें पता है स्टूडेंट्स पिछले वीडियोज में हमने ये चीज ड्राइव की थी कि कर्ली एल बाय करली के डॉट क्या होता है कर्ली एल बाय करली के डॉट होता है हमारे पास पीके ये हम ड्राइव कर चुके हैं और जब हमने ड्राइव किया था तो मैंने आपको बताया था इसको आप याद रख लेना इसको आने वाले टॉपिक्स में हम यूज़ करेंगे तो अब हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं करलियल बाय कर्ली क्यूके डॉट इज इक्वल टू पी के तो इस करलियल बाय करली क्यूके डॉट की जगह आप पी के रख देंगे ये वाला डी बाई डी टी जो है वो एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू करलियल बाय करली क्यूके इसको हम दे देते हैं फिफ्थ इक्वेशन और इसको हम दे देते हैं सिक्स्थ इक्वेशन तो स्टूडेंट्स आइए आगे बढ़ते हैं और ये जो डेल्टा क्यू के डॉट लिखा हुआ ये वाला इसको हम कैसे लिख सकते हैं डेल्टा क्यू के डॉट डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है डॉट रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव तो डेल्टा क्यू के डॉट डॉट हटा के हम यहाँ पर डी बाई डी लिख सकते हैं डी बाई डी ऑफ डेल्टा क्यू के तो देखिए स्टूडेंट्स इस डेल्टा क्यू के डॉट की जगह हम ये पुट करेंगे डी बाई डी ऑफ डेल्टा क्यू के पुट करेंगे और इस करली अल बाय करली क्यू के की जगह इस करलियल बाय करली क्यू के की जगह हम पुट करेंगे डी बाई डी टी ऑफ पी के क्योंकि करलियल बाय करली क्यू के की वैल्यू ये निकल के आई है और इस करलियल बाय करली क्यू के डॉट की जगह हम पुट करेंगे पी के क्योंकि करलियल बाय करली क्यू के डॉट जो है वो पी के के बराबर होता है तो नेक्स्ट सेक्शन में हम क्या करेंगे फिफ्थ सिक्स और सेवंथ इक्वेशन को इस फोर्थ इक्वेशन में यूज करेंगे और आगे के स्टेप्स भी प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने एक फोर्थ इक्वेशन फाइंड की थी और फिफ्थ सिक्स सेवंथ इक्वेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट फाइंड किए थे अब हम फिफ्थ सिक्स और सेवंथ इक्वेशन के रिजल्ट को यहाँ पर यूज करने वाले हैं तो बड़े ध्यान से आपको देखना होगा यूजिंग फाइव सिक्स एंड सेवन इन फोर वी गेट डेल्टा एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टी वन टू टी टू ब्रैकेट स्टार्ट इस करली अल बाय करली क्यूके की जगह लियल बाय करली क्यूके की वैल्यू निकाली हमने डी बाय डी टी ऑफ के फिफ्थ इक्वेशन में तो इस बाय की जगह हम पुट करेंगे डी बाय बाय ऑफ पी के के ये हमने पुट कर दिया डेल्टा क्यू एज इट इज प्लस यहां पर देखिए कर्लियल क्यू के डॉट की वैल्यू क्या है पी के है तो यहां पर पी के पुट कर दीजिए यहां पर क्या है डेल्टा क्यू के डॉट और डेल्टा क्यू के डॉट को हमने कैसे लिखा था डी बाय डी टी ऑफ डेल्टा क्यू के की फॉर्म में लिखा था डी बाय डी टी ऑफ डेल्टा क्यू के और यहाँ पर आप बड़ी ब्रैकेट लगा दो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा साथ में है डी टी और ये वाली टर्म जो है वो एज इट इज रहेगी एल डेल्टा टी और लिमिट्स हैं यहाँ पर टी वन टू टी टू तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए अगर हम इसको फर्स्ट फंक्शन मान लें डेल्टा क्यू के को इसको अगर हम फर्स्ट फंक्शन मान लें और पी के को सेकेंड फंक्शन मान लें तो यहाँ पर क्या हो रहा है फर्स्ट फंक्शन डेल्टा क्यू के एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन पी के प्लस सेकंड फंक्शन पी के एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज डेल्टा क्यू के तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा हुआ है इन दोनों फंक्शंस डेल्टा क्यू के एंड पी के बीच में तो इसको हम कंप्रेस करके कैसे लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा एस इज इक्वल टू टी वन टू टी टू डी बाय डी टी ऑफ पी के इन टू डेल्टा के इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है ये वाला डी टी ऐसे रहेगा प्लस एल डेल्टा टी और यहाँ पर टी वन टू टी टू जो है वो ऐसे ही रहेगा ये कैसे किया हमने डी बाई डी टी ऑफ पी के डेल्टा क्यू के जब आप यहाँ पर यून टू वी रू लगा कर डेरीवेटिव करेंगे तो आपको यही दो टर्म्स मिलेंगी यही ब्रैकेट जो है आपकी जनरेट होगी आइए देखते हैं कैसे डेल्टा क्यू के के ऐसे ही डेरीवेटिव ऑफ पी के डेरीवेटिव ऑफ पी के प्लस पी के एज इट इज़ डेरीवेटिव ऑफ डेल्टा क्यूके तो इसको खोलेंगे जब आप यून टू वी रू लगा के तो आपको यही ब्रैकेट मिलने वाली है तो स्टूडेंट्स इसको हम दे देते हैं एट्थ इक्वेशन बट इससे पहले कि हम आगे बढ़ें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा जब हमने एल का डेल निकाला था तो हमें ये टर्म मिली थी फोर्थ इक्वेशन में यहाँ पर के इंडिस में है तो यहाँ पर आपको समेशन लगाना कंपलसरी है समेशन के यहाँ पर समेशन के लगाना जरूरी है इस ब्रैकेट के आगे फोर्थ इक्वेशन में आप पिछले सेक्शन में ये करेक्शन जरूर कर लीजिएगा ये समेशन यहाँ पर भी रहेगा क्योंकि यहाँ पर भी के है और ये समेसन जो है वो यहाँ पर भी आपको लगाना कंपलसरी है तो स्टूडेंट्स एट्थ इक्वेशन के आगे के स्टेप्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमने एट्थ इक्वेशन तक ड्राइव कर लिया था अब आगे बढ़ते हैं अब देखिए यहाँ पर पी के डेल्टा क्यू के की वैल्यू दी हुई है तो अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे उसके लिए हमें डेल्टा वेरिएशन लेना होगा क्यू के का तो डेल्टा के कैसे लिखा जाएगा डेल्टा और डेल में क्या रिलेशन होता है डेल प्लस डेल्टा टी डी बाय डी टी डेल की जगह हमने ये लिख दिया और यहाँ पर के लिख दिया क्योंकि हमें पता है डेल्टा इज इक्वल टू डेल प्लस डेल्टा टी डी बाय डी टी ये होता है इन दोनों डेल्टा और डेल वेरिएशन के बीच में रिलेशनशिप अब के को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो डेल्टा क्यू के प्लस डेल्टा टी डी क्यू के बाय डी टी और डी क्यू के बाय डी टी को हम कैसे लिख सकते हैं क्यू के डॉट लिख सकते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में आप ये करेंगे डेल्टा क्यू के इज़ इक्वल टू डल के प्लस डेल्टा टी क्यू के डॉट डी बाय डी टी हटा के हमने डॉट लगा दिया ऊपर बट यहाँ पर हमें डेल्टा क्यू के इंटू पी के की वैल्यू चाहिए तो पहले यहाँ से डेल्टा क्यू के की वैल्यू निकालो वो क्या आ जाएगी डेल्टा क्यू के विल बी इक्वल टू ये टर्म इधर आ जाएगी डेल्टा क्यू के माइनस डेल्टा टी क्यू के डॉट अगर हम दोनों तरफ पी के से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पी के डल क्यू के की वैल्यू मिल जाएगी तो दोनों तरफ के से मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा पी के डल क्यू के इज इक्वल टू पी के क्यू के माइनस के डेल्टा टी क्यू के डॉट इसको हम दे देते हैं नाइन्थ इक्वेशन तो पी के डेल क्यू के की जगह हम ये पुट करेंगे यहां पर तो अब हम लिखेंगे यूजिंग नाइन इन एट वी गेट तो आपको मिलेगा डेल्टा एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टी वन टू टी टू समेन के डी बाई डी टी ऑफ इस पी के डेल के की जगह हम ये पुट करने जा रहे हैं यहां पर तो आपको लिखना होगा पी के डेल्टा के माइनस डेल्टा टी आगे लिख लो पी के के डॉट और डी टी ऐसी रहेगा यहाँ पर और माइनस सॉरी प्लस एल डेल्टा टी और लिमिट्स यहाँ पर टी वन टू टी टू वो ऐसे ही रहेगा तो डेल्टा एस की वैल्यू हम यहाँ तक निकाल चुके हैं इस इक्वेशन के आगे के स्टेप जो होंगे वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम इस स्टेप तक पहुंच चुके थे अब आपको क्या करना होगा अब आप इस डी बाई डी टी से इस इंटीग्रेशन को कैंसिल कर सकते हैं तो आप लिखेंगे डेल्टा एस इज इक्वल टू के पी के डेल्टा क्यूके टी वन टू टी टू माइनस समेशन के इसके साथ भी लगा देंगे डेल्टा टी पी के क्यू के डॉट और लिमिट्स जो है वो यहां पर आ जाएंगे अब टी वन टू टी टू टी वन टू टी टू तो ये वाला फंक्शन रह जाएगा अंदर डी बाई डी टी से इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया और समेशन के को इसके साथ भी और इसके साथ भी हमने यहां पर लिख दिया और ये ऐसे ही चलता आ रहा है तो स्टूडेंट्स यहां पर देखिए डेल्टा क्यू के बिटवीन द लिमिट्स टी वन टू टी टू क्या वैल्यू होनी चाहिए इसकी इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी जब भी एक सिस्टम किसी कॉन्फिग्रेशनल स्पेस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करता है तो उसके लिए बहुत सारे पाथ जो है वो पॉसिबल हो सकते हैं तो जब सिस्टम ए पॉइंट पर था तो हम मान लेते हैं टाइम टी वन था और सिस्टम जब बी पॉइंट पर था टाइम टी टू था जो क्यूके होता है वो सिर्फ मोशन के दौरान वेरी होता है जो एंड पॉइंट्स होते हैं ए और बी वहाँ पर इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आता तो डेल्टा क्यूके की वैल्यू एंड पॉइंट्स ए पर और एंड पॉइंट्स बी पर मीन्स टाइम टी वन और टाइम टी टू के बीच में यहाँ पर जीरो होने वाली है तो आप लिखेंगे डेल्टा के टी वन टू टी टू इक्वल टू जीरो एट एंड पॉइंट्स तो इस टर्म की वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगी अगर ये वैल्यू जीरो है तो पी के साथ में मल्टीप्लाई हो ये टर्म पूरी की पूरी जीरो हो जाएगी क्यों के जो है वो फिक्स रखे जाते हैं एंड पॉइंट्स के ऊपर जनरलाइज कोऑर्डिनेट में वेरिएशन जो है वो सिर्फ मोशन के दौरान आता है जब सिस्टम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कर रहा होता है एंड पॉइंट में इनमें कोई भी वेरिएशन नहीं आता तो ये टर्म जो है वो जीरो हो जाएगी सो डेल्टा एस विल बी इक्वल टू जीरो माइनस ये वाली टर्म प्लस ये वाली टर्म अब इन दोनों टर्म्स में से क्या क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों टर्म्स में से माइनस डेल्टा टी अगर हम कॉमन ले लें तो आपको मिलेगा डेल्टा एस इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लिया आपको मिलेगा समेशन के पी के क्यू के डॉट माइनस एल इस डेल्टा टी और इस डेल्टा टी को कॉमन लेके हमने यहाँ लिख दिया लिमिट्स टी वन टू तो टी टू बट हम जानते हैं ये बाय डेफिनेशन किसका फार्मूला है ये हेमल्टोनियन है का फॉर्मूला है समेशन के पी के क्यू के डॉट माइनस एल तो इसकी जगह हम एच लिख देंगे तो इसकी जगह हमने एच लिख दिया और इस एस इस एस को हम बोलते हैं एक्शन इंटीग्रल स्टार्टिंग हमने यहीं से की थी एस की वैल्यू से जो की थी इंटीग्रेशन टी वन टू तो टी टू एल डी टी तो इस एस की जगह हमने लिख दिया टी वन टू टी टू एल डी टी ये डेल्टा जो है वो ऐसे ही लिखा हुआ है ज इक्वल टू माइनस ऐसे लिखा हुआ है इसकी जगह हमने एच पुट कर दिया डेल्टा टी एस टी वन टू टी टू ऐसे ही बस स्टूडेंट्स इसके बाद एक दो स्टेप्स और बचे हैं वो मैं आपको बताऊंगा टॉपिक के अंदर तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम यहां तक पहुंच चुके थे अब लेफ्ट हैंड साइड में तो इंटीग्रल है यहां पर इंटीग्रल नहीं है बट लिमिट टी वन टू टी टू दी हुई है क्या हम इस टर्म को इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं यस yes, कर कर सकते हैं और वो कैसे करेंगे आइए वो देखते हैं, डेल ऑफ डेल्टा बोलेंगे डेल नहीं बोलेंगे एल डी टी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन टी वन टू टी टू यहां लिमिट्स लगा दी और यहां पर हमने डी डेल्टा एल टी लिख दिया डी यहां लिख दिया इंटीग्रेशन यहां लगा दिया कोई फर्क नहीं पड़ा डेरिवेटिव भी लगा दिया इंटीग्रेशन भी लगा दिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं इस डेल को बाहर डेल्टा को बाहर ले सकते हैं चीज़ का आप ध्यान रखेंगे डेल ये होता है डेल्टा ये होता है जहाँ पर ये साइन लग होगा वहाँ हमें डेल्टा ही बोलना पड़ेगा T1 वन टू टी टू एल डी टी माइनस डेल्टा बाहर ले लिया T1 वन टू टी टू और यहाँ रह जाएगा एच डी टी तो अगर मैं इस टर्म को इधर ले आऊँ तो ये टर्म जो है वो प्लस की बन जाएगी और इक्वल टू आ जाएगा आपके पास जीरो तो यहाँ से कॉमन ले लीजिए क्या क्या कॉमन आ रहा है डेल्टा कॉमन आ रहा है इंटीग्रेशन टी वन टू टी टू कॉमन आ रहा है इन दोनों टर्म्स को कंबाइन कर रहे हैं तो अंदर बचेगा एल प्लस एच डी टी इज इक्वल टू जीरो और एच इक्वल टू होता है समेशन के पी के क्यूके डॉट माइनस एल तो यहाँ से एच प्लस एल की वैल्यू आ जाएगी समेशन के पी के क्यू के डॉट तो इस एल प्लस एच की जगह हम लिख देंगे टी वन टू टी टू समेशन पी के क्यू के डॉट यहाँ पर के है और यहाँ पर डी टी है इक्वल टू जीरो और यही तो है आपका प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन तो आप नीचे लिख देंगे बड़ा बड़ा हैंस प्रूफ तो इस प्रकार से आप प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन को प्रूफ कर सकते हैं तो स्टूडेंट्स ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन की स्टेटमेंट एंड इट्स प्रूफ आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स के साथ टिल देन टेक केयर